नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक नई खुशखबरी मैं लेके आया हूं आप लोगों के सामने कि पीटी 2021 जो आपका हो चुका है उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे कौन कौन से नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको लेकर जो है पिकअप भवन पहुंचे थे कि ऐसा ना हो कि जो वैकेंसी पहले बता दी गई थी कैलेंडर में कि AGTA हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, वो पीटी 2022 के बाद हो, इससे नुकसान हो जाता। ठीक है, फिर बच्चों को मौका मिल जाता, अच्छा स्कोर हो जाता। तो इस वजह से कुछ बच्चे पहुंचे थे, तो जो वहां से परिणाम मिले हैं कि ये कहा गया कि नहीं, ऑलमोस्ट उस पीटी से पहले ही जो कहा गया था वो कहीं ना कहीं इनके एडवर्टीजमेंट निकाल दिए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चे सप्लाई इंस्पेक्टर का सिलेबस पूछ रहे थे, उसकी भी कुछ जानकारी मिली है, 100% नहीं, मैं एक अप्रोक्सीमेशन से जो बताया गया वहां से जानकारी प्राप्त हुई है वही मैं आपके सामने साझा करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों तक। और साथ ही साथ जो बच्चे पीटी 2022 के लिए बैच लेना चाहते हैं, अभी परीक्षा प्लस जो है 80% ऑफ के साथ बैच को निकाला है, जिसमें 399 में आपको पूरा संपूर्ण बैच मिलेगा। उसमें आपको 50+ टेस्ट रहेंगे, वीडियो क्लासेस रहेंगे, नोट्स रहेंगे। और जो आपके छोटे भाई अनुज जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं परीक्षा प्लस, उनके लिए ले आ रहा है निशुल्क बैच। तो जिन्हें भी जुड़ना है वो आप परीक्षा प्लस ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां से आप दोनों बैचों से साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन आ चुका है 2021 पीईटी के थ्रू, उसकी कट ऑफ क्या बनेगी लेखपाल को देखते हुए कि उसकी गई है तो इसकी क्या जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक स्कोर रखा जाएगा, जब वहां पे भी स्कोर रखा गया है, अब कितना रखा जाएगा ये कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि ऐसा स्कोर आपका रखा जाए जो 80 या 85% पे आके कहीं ना कहीं, चाहे 88%, यही जो अभी आपको देखने को मिल रहा है ऑन अप्रोक्स इसी के आसपास कहीं रहेगा। मान लो 62-63 है तो हो सकता है 70 या 68 या 65 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ रखा जाए। कुछ भी कहना उचित नहीं है अभी मेरे लिए, लेकिन उम्मीद यही है कि 90 के अप्रोक्स आपका परसेंटाइज, कहीं 90 से ऊपर भी हो सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो, बच्चे अगर कुछ हंगामा करते हैं तो हो सकता है एक फिक्स वो रखा जाए जैसे इसमें रखा गया है। बाकी सिलेबस की जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कहा जा रहा है कि इसमें जीएस और हिंदी, इसके क्योंकि ये मेंस है तो जीएस और हिंदी आपका आएगा, जीएस और हिंदी का वेटेज अभी जो सुनने में आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अभी फाइनल हो जाएगा कुछ ही दिन में, मात्र आप लोग वेट करिए, 10 दिन में आपको ये सिलेबस तैयार हो रहा है। जियो सर हिंदी, खबर आ रही है कि जियो सर हिंदी का वेटेज रहेगा, तो ये फाइनल हो जाएगा 10 दिन में, इसका इंतजार करिए, आपको पूरे नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगा सिलेबस की क्या है। अभी जहां से पता चला है तो यही पता चला है, बाकी आने वाली जो वैकेंसियां हैं वो जल्द ही आ जाएंगी। जैसे बाल पुष्ट आहार की वैकेंसी आएगी जिसमें सिर्फ महिलाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, 2000 पोस्ट मई या जून में इसका विज्ञापन हमें देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बीए जो है होम साइंस या समाज शास्त्र वाले शायद फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए जो एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो वही लोग, और एक तो फीमेल के लिए, तो फीमेल वाले तो कहीं नहीं चुकेंगे जो अगर उस एजुकेशन बैकग्राउंड से आएंगे। तो साथ ही साथ AGTA का काफी लोगों का इंतजार था, जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं बंदे, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सिर्फ वही फाइट करेंगे और कोई नहीं आएगा उनके लिए। 3000 कहा जा रहा है कि इसके पोस्ट हैं और इसका नोटिफिकेशन भी तैयार हो चुका है, जून या जुलाई में पब्लिश हो जाएगा, इसका भी अध्याचन जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। जूनियर असिस्टेंट स्टेनो और अकाउंटेंट का भी कहीं ना कहीं जुलाई से अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए तो एग्जाम होगा, मेंस होंगे, लेकिन इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि भैया जो आपके ये स्किल टेस्ट वाले हैं तो पीटी के बेसिस पे ही आपके स्किल टेस्ट करा लिए जाएंगे, इनका जो असिस्टेंट वाला हुआ या जूनियर स्टेनो हुआ चाहे अकाउंटेंट के अगर पोस्ट आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके पीटी के स्कोर पर ही स्किल टेस्ट के होगा, बाकी इनके लिए मेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये 21 वाले पीटी के थ्रू आने वाले नोटिफिकेशन जो जून जुलाई तक पूरे के पूरे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आप लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार और उन सब के खिलाफ, साथ में वो भी करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को भी ध्यान में रखिए कि चलिए एक
चीज़ें जो हो रही हैं उनको भी हम साथ लेके चलें, लेकिन हमारी प्रिपरेशन है तो उसको भी धार देते चलें कि किसी ना किसी में एक गवर्नमेंट जॉब एटलीस्ट हमें मिल जाए, जो हमारे घर वालों की उम्मीद है कम से कम वो फुलफिलमेंट हो जाए। ठीक है, तो बाकी जैसे ही कुछ पता चलता है एलडीए यूडीए के सिलेबस का और कन्फर्मेशन मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो पता चला है जीएस और हिंदी है उसको आप लोग तैयार करते रहिए, जो भी उस परसेंटाइल के आसपास आ रहे हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं, और जो आने वाली ये वैकेंसियां हैं उनके लिए आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और जिनके परसेंटाइल किसी कारणवश कम हैं वो पीटी 2022 पे आज ही से लग जाइए। 499 399 सॉरी, बहुत ही कम प्राइस, इससे कम हमें नहीं लगता है कि कोई रखता होगा। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे स्थिति में बच्चों के जेब से कुछ उनका ज्यादा से ज्यादा जाए, हम कम से कम में पूरा का पूरा बैच देना चाहते हैं, हर क्वालिटी के साथ देना चाहते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि क्वालिटी क्या है हमारी। 399 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो परीक्षा प्लस ऐप के माध्यम से। बाकी सब कुछ क्लासेस जो हैं आपकी रेगुलरली पीटी की 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। जो भी और दिक्कत क्वेरी आपके डाउट हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट में करिए, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।